कि हर एक बहुजन व्यक्ति देखना चाहता है बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में, तो क्या होगा अगर बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बनती हैं, वो बताएं। देखिए, बहुजन समाज के बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बने। ये एक्चुअली उनकी आकांक्षा है, बहुजन समाज की आकांक्षा है कि बहुत लंबे समय से इस देश के अंदर जातिवाद हावी रहा है। जातिवाद हावी रहने का मतलब ये है कि जो 3/4 जनसंख्या यहाँ की है, 85-90% जनसंख्या यहाँ की है, उसको ठीक से खाने पीने का, रहने का, कपड़े का, अच्छे मकान का, शिक्षा का, संपत्ति का कोई भी अधिकार नहीं रहा है और उसने बहुत लंबे समय तक अन्याय, अत्याचार, अपमान झेला है। पिछले 70 साल के अंदर, जब से देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित हुआ है, उसके बाद से सबको बराबरी का अधिकार मिला है, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अथक प्रयास के बाद संभव हो पाया। बहुजन महापुरुषों के आंदोलन के प्रयास स्वरूप ये सब कुछ संभव हो पाया। तो जब देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित हो गया, राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित हो गया, तो बहुजन समाज की ये आकांक्षा है, ये महत्वाकांक्षा है कि उनका कोई व्यक्ति देश की सर्वोच्च पद पर आसीन हो। अब ये लगता है कि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मायावती जो हैं वो एक सशक्त विकल्प के रूप में उभर के आ रही हैं, और जब कोई व्यक्ति इस तरह के समाज का व्यक्ति वहाँ तक पहुँचता है, उस स्थान तक पहुँचने का प्रयास करता है, तो सीधी सी बात है कि उसने बहुत लंबा संघर्ष किया होगा, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत रही होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि 77 से लेकर अब तक लगभग 42 साल का सार्वजनिक जीवन बहन कुमारी मायावती जी का रहा है, और उन्होंने इसमें कम से कम 30 साल उनके ऐसे रहे हैं कि जहां सड़कों पे उन्होंने संघर्ष किया है, चाहे वो वामसेफ के माध्यम से रहा हो, 78 में वामसेफ के बनने के बाद से, उसके बाद DS4 के बनने के बाद से, या 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद से, उन्होंने रात दिन मेहनत करके इस बहुजन आंदोलन की जो राजनीतिक कड़ी है उसको मजबूत किया, उसको आगे बढ़ाया। फिर जाके 95 में वो मुख्यमंत्री बनती हैं, 97 में फिर मुख्यमंत्री बनती हैं, 2002 में मुख्यमंत्री बनती हैं, उसके बाद 2007 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं। तो उनके पास एक बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत बड़ा प्रशासनिक अनुभव है। वो सड़क से चल के संसद तक पहुँची हैं, राजभवन तक पहुँची हैं। उन्होंने अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में तैयार किया, एक कुशल प्रशासक के रूप में तैयार किया, उन्होंने देश में राष्ट्रीय नेतृत्व की स्थापना की। इस प्रकार से लगता है कि अगर इस तरह का अनुभव वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री 4 बार उत्तर प्रदेश का बनने के बाद क्वालिफिकेशन रखता, योग्यता रखता है कि उसको देश का प्रधानमंत्री भी बनना चाहिए। जैसे कि जिस समय पे वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तो उस समय में देखने में आया कि इन्होंने जो कार्य किए, खासतौर पर आप अगर नोएडा की तरफ जाएंगे, गौतम बुद्ध नगर की तरफ जाएंगे, तो आपको ना सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी प्लैंड सिटी नजर आएगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिसको हम बोलते हैं, वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी प्लैंड सिटी है। वहाँ की सड़कें आप देखिए, वहाँ की ग्रीनरी आप देखिए, वहाँ की बिल्डिंग्स आप देखिए, वहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी नजर आएगी। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी दुनिया की शायद सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र पढ़ रहे हैं, ये लगभग 600 एकड़ में बनी हुई यूनिवर्सिटी है। वहीं पर आपको एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल नजर आएगा, कांशीराम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नजर आएगा, के अंदर दुनिया के जितने भी टॉप मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनका प्रावधान किया गया था। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि चाहे एक्सप्रेसवे को आप देख लीजिए या फिर फॉर्मूला रेस के लिए देख लीजिए, किस प्रकार का उनका एक वर्ल्ड व्यू है, किस स्तर पे वो डेवलपमेंट कर रही हैं। या अगर गांव के स्तर पे जाना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर अम्बेडकर विकास कार्यक्रम है उसको देखिएगा, जहाँ पे उन्होंने 27-28 प्रोग्राम्स के, वहाँ पे बिजली की सुविधा हो, वहाँ पे पानी की सुविधा हो, वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधा हो, वहाँ पे जो गरीब लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप हैं, उनके लिए उनके लिए ज़मीन के पट्टे मुहैया कराए गए, वहाँ पे जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा करने का प्रयास किया गया।
इस तरीके से देख रहे हैं कि चाहे वो जमीनी स्तर पे हो या बड़े स्तर पे हो, हर जगह उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया और अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण कुशल प्रशासक के रूप में स्थापित किया। चाहे उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हों या विरोधी हों, वो भी इस बात को मानते हैं, या आप ब्यूरोक्रेसी के लोगों से पूछ सकते हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि वास्तव में वो बेजोड़ प्रशासक हैं। उनकी जो क्षमता है, उनकी जो योग्यता है, उसके सामने किसी भी दूसरे राजनेता को वो 19 इस उसमें आंकते हैं, जिसको देख सकते हैं कि आपके जितनी बार उनका प्रशासन रहा है, जितनी बार उनकी मुख्यमंत्री काल रहा है, उसमें एक बार भी प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। खुद आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि यह है, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे लोग हैं वहाँ पे रोज़ सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, रोज़ हिंसा हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। जैसे उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब वो मुख्यमंत्री रहती हैं तब आरक्षण अपने आप पूरा हो जाता है, बैकलॉग अपने आप पूरा हो जाता है। उन्होंने लोगों को, खासतौर पर शेड्यूल कास्ट और OBC के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दिया, मुस्लिम या माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दिया, जो कि अपने आप में देश में बिल्कुल अलग तरह का कार्य था। इसी के साथ उन्होंने वहां पर सरकारी ठेकों में आरक्षण दिया, यह भी देश में पहली बार किया गया। जैसे एक और स्कीम उन्होंने चालू की कि जो विद्यार्थी हैं उनको कई स्कॉलरशिप जो मिलते थे, वो स्कॉलरशिप साल के आखिर में मिलते थे, सेशन ख़त्म हो जाता था तो बड़ा मुश्किल होता था। इस वजह से उन्होंने कहा कि अब जिस समय प्रवेश दिया जाएगा, प्रवेश लेंगे बच्चे, एडमिशन लेंगे, उसी समय पे इनको स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। और ये स्कॉलरशिप सिर्फ सरकारी स्कूलों में नहीं दिया जा रहा था, सभी स्कूलों में दिया जा रहा था, प्राइवेट स्कूलों में भी दिया जा रहा था और प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर भी दिया जा रहा था, जिसमें 5-7-8 लाख रुपये तक एक एक स्टूडेंट को दिए जा रहे थे, जो कि सरकार ने सुनने में आ रहा है कि जून के महीने में बंद कर दिया। सरकार अगर जनता के कल्याण के कार्यों को बंद करती हैं तो फिर जनता में असंतोष हो जाता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि वो एक मजबूत प्रशासक हैं, वो जानती हैं कि जनता की समस्याएं क्या हैं, उनको किस तरीके से हल किया जा सकता है। दूसरी बात जो उनके पक्ष में जाती है वो ये कि ये हजारों साल से जो दबी हुई संवेदनाएँ हैं उनको, उनका रिप्रेजेंटेशन करती हैं, उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। वो चाहते हैं कि इस देश का शासन प्रशासन भी उनके पास पहुँचे, उनके हाथों में पहुँचे, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बहुत महत्वपूर्ण होती है और संख्या यहाँ पे बहुजन समाज की है। वो बहुजन समाज का नेतृत्व करती हैं, बहुजन समाज पार्टी के मुखिया के होने के नाते वो बहुजन समाज का नेतृत्व कर रही हैं, इसलिए वो एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। इसी में आप कह सकते हैं कि क्योंकि भारत में जब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण दे रहे थे, उस समय पे उन्होंने कहा कि हम लोग भारत में राजनीतिक समानता स्थापित कर रहे हैं, यहाँ पे राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित हो रहा, लेकिन सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक मुक्ति की अभी लड़ाई होनी बाकी है, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता स्थापित होनी बाकी है। उसका कई बार हम लोग देख भी चुके हैं कि हमारे यहाँ पे चुनावों में लोग पैसे का दुरुपयोग करते हैं, लोग अपने सामाजिक सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, लोगों को डराने धमकाने का प्रयास करते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया बन के रह गया, चुनाव जो है एक सिर्फ औपचारिकता बन के रह गया। लेकिन जैसे जैसे समाज जागृत हो रहा है, समाज के अंदर अपने अधिकारों के प्रति जागृति आ रही है, तो वो अपने वोट की कीमत को पहचान रहा है, जिसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर आज समाज नहीं समझ पा रहा कि उसको क्या मिला है, लेकिन जिस दिन वो अपने वोट की ताकत को समझ लेगा, वोट की हथियार को चलाना सीख लेगा, उस दिन महलों में रहने वाले लोग सड़कों पे नजर आएंगे और सड़कों में रहने वाले लोग जो हैं वो महलों पे पहुंचेंगे। ये प्रक्रिया ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और उसके प्रतिनिधि के रूप में, उस प्रक्रिया के प्रतिनिधि के रूप में आप बहन कुमारी मायावती को देख सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। तो ये जो सामाजिक लोकतंत्र है उसको मजबूती प्रदान करती हैं। हम कह सकते हैं कि हमारा जो एक खोखला राजनीतिक लोकतंत्र अब तक रहा है, उसको सामाजिक वैधता प्रदान करने का काम भी, अगर इस तरह की शख्सियत इस देश की प्रधानमंत्री बनती है, तो वो इस देश के राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक वैधता प्रदान करने का प्रयास
का एक मजबूत प्रयास होगा। मुझे लगता है कि इस देश की जातिवादी व्यवस्था पे यहाँ के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ओबीसी का बहुत बड़ा कर्ज है। उन्होंने हजारों साल से अत्याचार अपमान झेला है, अगर उनमें से उनका एक मजबूत स्तंभ वहाँ तक पहुँचता है, उनका एक मजबूत प्रतिनिधि वहाँ तक पहुँचता है, तो फिर कुछ हद तक कहा जा सकता है कि भाई जिन लोगों ने जातिवादी मानसिकता के तहत अब तक समाज के अंदर इस तरह के जहर को घोले रखा, वो अब बदलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मायावती जी का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि वो समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलना चाहती हैं। वो भले ही शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं, महिला हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो कहती हैं कि हमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति को अपनाना है, जिसमें सभी समाज का साथ हो। बाकी लोग सिर्फ नारा देते हैं लेकिन वो साथ नहीं लगाते हैं, वो भागीदारी नहीं देते हैं। वो एक व्यक्ति को खड़ा करेंगे, एक व्यक्ति को एक कम्युनिटी के नाम पर खड़ा करेंगे और फिर पूरी कम्युनिटी के साथ किसी प्रकार की कोई डेवलपमेंट स्कीम नहीं रखेंगे, उनको शिक्षा में स्थान नहीं देंगे, उनको नौकरियों में स्थान नहीं देंगे और दूसरे वेलफेयर मेजर्स नहीं करेंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का ये रिकॉर्ड रहा है कि उसने जिस भी कम्युनिटी को साथ लिया है, जिस भी दल के साथ उसने गठबंधन किया है, उसने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ जो भी समझौते हुए उसको निभाने का प्रयास किया। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ईमानदारी का सभी समाज के लोगों को साथ लेके आगे बढ़ने का एक अच्छा प्रयास होगा। क्योंकि लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी ये नारा देती रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये लोकतंत्र के को पूरी तरीके से चरितार्थ करता है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 25% 75% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी हैं और 25% जनरल कम्युनिटी के लोग हैं, तो उनको भी 25% टिकट दिया जाना चाहिए जैसा कि वो लोग कर रहे हैं, या उनको भी उस तरह से अगर मंत्रिमंडल बनाया जा रहा है तो उनको भी स्थान दिया जाना चाहिए। ये कार्य बहुत शिद्दत के साथ वो कर रहे हैं, तो एक संपूर्ण व्यक्तित्व निकल के आता है। ऐसा लगता है कि आप मूवमेंट से निकल के आई हैं, आंदोलन से निकल के आई हैं, आप जो है आंदोलन की गंभीरता को समझते हैं, आंदोलन के उद्देश्य को समझते हैं, आप प्रशासन अच्छे से चलाती हैं, आप सबको साथ लेके चलने की क्षमता रखती हैं। जो बहुजन आंदोलन है उसको आप बहुत अच्छे से उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। जब आप मुख्यमंत्री रहीं, आपने पूरे प्रदेश के अंदर बहुजन समाज के जो आइकन्स हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज के मान सम्मान के लिए लगाई, उनके नाम पे आपने जिलों की घोषणा की। आप ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है उनका कि उन्होंने अपने कार्यकाल में चार बार के कार्यकाल में उन्होंने लगभग 18 जिले बनाए, लेकिन ये 18 जिले किसी जिले का नाम बदल के उन्होंने नहीं रखे थे, उन्होंने बल्कि 18 नए जिले बनाए। अगर 65 थे, 82 जिले हो गए या 83 जिले हो गए, तो वो 18 जिले जो हैं नए बनाए गए थे, किसी का नाम उन्होंने नहीं बदला। ये उनके विचारों की परिपक्वता को दर्शाता है कि आप नाम, बहुत सारे लोग नाम बदल के अपना काम चला ले रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं कि हमें 65 जिलों से काम नहीं चल रहा है, हमारा 83 जिलों से काम चल रहा है। तो उन्होंने 83 जिले बना के एक नई तरह की राजनीति को बढ़ावा दिया और उसमें फिर उन लोगों को मान्यता प्रदान की, उन लोगों को उन्होंने सम्मान दिया जिन्होंने इस समाज के उत्थान के लिए, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी मुक्ति के लिए अपने जीवन को लगाया। जैसे ज्योतिबा फूले नगर उन्होंने बनाया, जैसे साहूजी महाराज के नाम पे उन्होंने जिला बनाया, जैसे उन्होंने कबीर साहब के नाम पे जिला बनाया, जैसे उन्होंने काशीराम साहब के नाम पे जिला बनाया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रलक्षित होती हैं कि आप एक परिपक्व विचार को सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ लागू करना चाहती हैं, और इनके इस व्यक्तित्व को अब ज़्यादातर लोग पहचानने लगे हैं। लोगों के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर जातिगत विद्वेष है, घृणा है, इस वजह से बहुत सारे लोग उन नापसंद करते हैं या मीडिया में इस तरह की खबरें आती हैं, लेकिन वो एक बहुत छोटा सा वर्ग है। अब सभी जाति और धर्म के लोग उनको स्वीकार कर रहे हैं, उनकी राष्ट्रीय स्वीकार्यता बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है। चाहे वो, मैं आपको एक वाकया बताऊं कि जब 1995 में पहली बार वो मुख्यमंत्री बनी, उस समय पे इंडिया टुडे ने एक खबर दी जो कि चेन्नई के अंदर ये था कि भाई वहाँ पे एक कांस्टेबल ये बात कह रहे थे कि ये रमेश भंडारी जो हैं इनको मुख्यमंत्री पद की शपथ क्यों नहीं दिला रहे हैं, डिले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शायद ये
29 मई को इन्होंने लेटर दिया था गवर्नर साहब को और 3 जून को इनको शपथ दिलाई गई थी, तो उसमें 3-4 दिन का जो गैप हुआ था उस गैप को कहीं ना कहीं गवर्नर के लिए, गवर्नर उसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे थे। कांग्रेस की सरकार उस समय पर केंद्र में थी। बाद में उसी वाकये को नरसिम्हा राव ने, जो कि देश के प्रधानमंत्री थे, ये भी कहा कि भाई ये मिरेकल ऑफ डेमोक्रेसी है, जहाँ पर इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि देश में जो बहुत उपेक्षित कम्युनिटी थी उनकी एक महिला उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बनी है। तो ऐसा लगता है कि अब उनकी राष्ट्रीय स्वीकार्यता बन रही है, उनका राष्ट्रीय नेतृत्व, मतलब आप अगर तेलंगाना में जाते हैं तो वहाँ पे उनको स्वीकार किया जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू पहले बोल चुके हैं, चंद्रशेखर राव पहले बोल चुके हैं, अब पवन कल्याण ने कहा कि वो उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इस समय पे चाहे वो उत्तर प्रदेश का गठबंधन हो, चाहे अजीत जोगी जी के साथ गठबंधन हो, या फिर हरियाणा में गठबंधन हो, सब जगह से उनकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को पोजीशन किया है, उसमें लगता है कि वो आने वाले चुनाव के बाद एक मजबूत सशक्त दावेदार के रूप में प्रधानमंत्री पद की होने वाली है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।